हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। गाइस, सबसे पहले मैं अपना पीसी ओपन कर लेता हूँ। पीसी ओपन करने के बाद में ये मेरा जो ड्राइव है, जी ड्राइव करके, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पूरा पूरा जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है या फाइल्स फोल्डर है वो चीज़ रखा हुआ था, लेकिन वो चीज़ मेरे को नहीं दिख रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे है ना कमाल की चीज़ गाइस। जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, ये हमारा फोल्डर नेम तो वही है, बस आइकन अलग टाइप से दिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि हमको क्या चीज़ दिखता है। तो गाइस है ना कमाल का, देख लीजिए यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। तो चलिए दूसरा फोल्डर हम ओपन करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम ये वाले ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ भी हमारा डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। और मान लीजिए हम ये हमारा एक्सप्लोरर ब्राउज़र है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर भी मेरा ही डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये और बहुत ही मस्त है। आपके फ्रेंड्स हैं या आप खुद अपने कंप्यूटर को मस्त बनाने के लिए ये चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो बहुत ही हैरान हो जाएंगे, आपसे ज़रूर ये पूछेंगे कि ये आपने कैसे किया। तो चलिए गाइस, इसको करते कैसे हैं ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ सब चीज़ ऑलरेडी रहता है, तो आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मतलब ये जो पहले से रहता है वो चीज़ कैसा होता है। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे एक फोल्डर चूज़ करेंगे। ये मान लीजिए मैं एक नया फोल्डर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई सा भी फाइल डाल देता हूँ, जैसे कि ये डाल दिया और ये डाल दिया। यहाँ पे आप अपना फाइल बिल्कुल सेफ रख सकते हैं गाइस, इससे कुछ नहीं होगा आपके फाइल को, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। और आप चाहें तो इसको पहले जैसे फिर से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले गाइस, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको ये हमारा फोल्डर है, इसी पे हम यूज़ करेंगे। इस पे हम लोग राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे पे आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज करके दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख लीजिए ऊपर जर्नल शेयरिंग सिक्योरिटी, और यहाँ पे सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, तो यहाँ पे कस्टमाइज करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइस देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे चेंज आइकन करके दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गाइस, बहुत सारा आइकन बना हुआ है। तो चलिए गाइस, हम एक चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के लिए आप कोई सा भी ले सकते हैं गाइस, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं। मान लीजिए हम कर लेते हैं ये सेटिंग, सेटिंग का जो ऑप्शन है ये चूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे है, एक बार इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम एक बार क्लिक करके, और यहाँ पे ओके कर देंगे, और फिर अप्लाई कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं गाइस, हमारा फोल्डर जो है चेंज हो गया है। तो चलिए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं
कि यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स सेफ है कि नहीं है, तो डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा फाइल बिल्कुल सेफ है। और इसी तरह से आप गाइस जो आइकन्स हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंटरनेट से ऑनलाइन भी डाउनलोड हो सकता है गाइस। आप चाहे तो ये सभी के सभी आइकन्स आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम फिर से एक बार दूसरे फोल्डर को हम चेंज करके देखते हैं, वही ट्रिक यूज़ करके देखते हैं। तो हम इस वाले फोल्डर को हम इस वाले फोल्डर पे यूज़ करके देखेंगे। ये हमने ओपन किया तो यहाँ पे हमारा वॉलपेपर रखा हुआ है, तो इसी वाले फोल्डर पे हम ट्रिक यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे गाइस। ये बात ध्यान रखना है कि आपको फोल्डर पे ही जाके राइट क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो हम जिस चीज़ को, जिसका आइकन हम चेंज करना चाहते हैं, उसी पे हम क्लिक करेंगे। ज़्यादातर गाइस ये फोल्डर पे ही लागू होगा ये सब चीज़। तो चलिए गाइस, हम राइट क्लिक कर लेते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है हमको, यहाँ पे चले गए। फिर कस्टमाइज यहाँ पे आना है, फिर चेंज आइकन करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा सारा आइकन खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे गाइस हम कोई सा भी एक चीज़ चूज़ कर लेते हैं। तो कौन सा करें कौन सा करें, मान लीजिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। ये वाला तो नहीं गाइस, कोई दूसरा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हम मान लीजिए ये स्टार वाले को यूज़ करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे फोल्डर का आइकन फिर से चेंज हो गया है। चलिए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, हमारा फाइल है या डिलीट है। तो ओपन कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा फाइल सभी का सभी बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलिए गाइस, अब इसको फिर से पहले जैसे वापस कैसे लाया जाता है ये जानेंगे। तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ गाइस, मैं ये चीज़ भूल गया था। और जब मैं ये आइकन्स हैं उसको पहले जैसा कर रहा था, तभी मेरे को ध्यान में आया कि जो ट्रिक है उसको मैंने बताया नहीं करके। तो मैं फिर से दोबारा रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आधा फोल्डर्स को पहले जैसा कर लिया है, ठीक है। तो कुछ कुछ बचा के रखा हुआ था तो उसी पे हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइस, हम इस वाले को जो हमारा पहले जो फोल्डर था वैसी सेम इसको करेंगे, यानी कि जो ये फोल्डर जो जैसे दिख रहे हैं, सेम उसी टाइप से इसको भी करेंगे। जो हमारा पुराना आइकन है, सिंबल है, वैसी करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ आने के बाद कस्टमाइज, कस्टमाइज में आने के बाद गाइस यहाँ पे चेंज आइकन करके दिया हुआ है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पर देखेंगे नीचे पे रिस्टोर डिफॉल्ट्स करके है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फोल्डर पहले जैसा हो जाएगा। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई फिर ओके। तो देख ही लीजिए गाइस, यहाँ पे पुराना जैसा हमारा फोल्डर बन के आ गया है। यहाँ पे हमारा फाइल बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए गाइस, इसी तरह इसको भी करके देखते हैं। ये हमारा सेटिंग का सिंबल है, उसको करके देखते हैं। कस्टमाइज, फिर यहाँ से चेंज आइकन और फिर रिस्टोर डिफॉल्ट्स, फिर अप्लाई, फिर ओके। तो गाइस देख लीजिए, ये भी हमारा पहले वाला फोल्डर बन के आ गया है। यहाँ पे भी हमने डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ था। तो गाइस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही।
गाइस ये ट्रिक्स आप अपने कंप्यूटर को एक मस्त लुक देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को जब भी दिखाएंगे वो बिल्कुल आपको पूछेंगे, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।